अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या आप सीख रहे हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ये पुणे से आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं प्रमोद। प्रमोद मुझे बताओ स्पीकर और रिंगर सेक्शन, सबसे पहले मुझे बताओ अगर स्पीकर का सेक्शन आता है तो स्पीकर को भी मल्टीमीटर से चेक करने पर क्या दिखाई देगा? सर स्पीकर को मल्टीमीटर से चेक करने से दोनों तरफ रीडिंग दिखाना चाहिए और रीडिंग 250 और 600 के बीच में आना चाहिए। तो प्रमोद बताइए अगर स्पीकर और रिंगर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्पीकर है और मैं मल्टीमीटर से वाली स्पीकर डिवाइस चेक कर रहा हूँ तो क्या होगा उसमें? सर मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो स्पीकर पे दोनों तरफ बीप आने चाहिए और रीडिंग हमें आना चाहिए सर 28 से 32 तक रीडिंग आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर बीप नहीं आया है तो स्पीकर ओपन है। स्पीकर के अंदर क्या लगा होता है? कॉइल लगी रहती है, एक कॉइल लगी होती है मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। रिंगर में कितना रीडिंग आना चाहिए? रिंगर में सर 8 से 10 तक आना चाहिए। चलिए ठीक है, मान लीजिए मेरे को रीडिंग मिल रहा है और उसके बाद भी रिंगर नहीं चल रहा है, इसका क्या फॉल्ट हो सकता है? सर रीडिंग नहीं मिल रहा है, इसका फॉल्ट रहेगा उसके सर कॉइल अंदर की टूटी रहेगी, मतलब कोई ट्रैक ओपन होगा, ओपन रहेगा सर। तो उसको कैसे चेक करोगे, कौन सी टेस्टिंग करोगे? सर इस तरह में कूल टेस्टिंग करूंगा सर। कूल टेस्टिंग किसे कहते हैं? कूल टेस्टिंग सर जो रेजिस्टेंस हमें मिलना चाहिए उसे कूल टेस्टिंग करेंगे। रेजिस्टेंस आता कहाँ से? सर आईसी से आता है वो रेजिस्टेंस। आईसी का आउटपुट होता है रेजिस्टेंस, तो कैसे पता चलेगा कि आईसी खराब है कि सही है? एक उसका रेजिस्टेंस चेक करके। और कितना आना चाहिए स्पीकर के टिप्स पर रेजिस्टेंस? स्पीकर के टिप्स सर 250 के ऊपर आना चाहिए। 250 से कितना? 600 तक। और रिंगर में कितना? रिंगर में सर उतना ही आएगा, सेम आएगा। दोनों पे क्या प्लस माइनस होगा? अलग अलग चिप से प्लस होगा, प्लस होगा क्योंकि एक ही कॉइल लगी होती है। मान लीजिए अगर मान लीजिए एक ओपन दिखा रहा है और एक पे रीडिंग आ रहा है तो उसमें क्या चेक कर क्या करोगे? सबसे पहले टेक्निक क्या यूज करोगे? सर मैं पहले सबसे पहले टेक्निक ये चेक करूंगा कि एक को हम ग्राउंड करेंगे, हाँ, और एक को हम सर जहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है वही हम, मतलब एक टिप्स को लगे रहने देंगे और दूसरे को ग्राउंड करेंगे, देखेंगे चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरे अगर मान लीजिए इससे चालू नहीं होता है, कोई किसी किसी मोबाइल में कभी कभी होता है कि ये करने पर चालू नहीं होता है तो कैसा करोगे? फिर ट्रेसिंग करूंगा सर मैं। फिर ट्रेसिंग करोगे? चलो ट्रेसिंग की टेक्निक आपको पता है कैसे ट्रेस करना है। क्या आपको सर्किट डायग्राम की जरूरत है? नहीं सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है। नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ प्रमोद, मुझे एक बात बताओ कि स्पीकर और रिंगर के सेक्शन में सीरीज और पैरेलल में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं? सर सीरीज में कॉइल लगी रहती है और पैरेलल में सर कैपेसिटर लगे होते हैं। और एक अच्छा मोबाइल हो जैसे सैमसंग या आईफोन का तो पैरेलल में आपको कैपेसिटर के साथ और क्या देखने को मिल सकता है? सर डायोड मिलने हैं। डायोड देखने को मिल सकता है, कौन सा? जिनर डायोड की सिंपल डायोड। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्री मोबाइल रिपेयरिंग एप्स और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल का पूरा डाटा कंटेन। और अगर आप फ्री मोबाइल आप ट्रेनिंग कर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कंटेन मिले, हम लोग बुक ढूंढते रहते हैं, अगर आप लोग को बुक ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा बुक का डाटा दिया गया है। आप देखिएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1 करके जो मैंने वेबसाइट बनाई है और ये एप्स में मैंने जो लॉन्च किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एंटर टू इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एप्स के अंदर आप और जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया टेलीकॉम का लोगो और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए जो सबसे पहले पेज में आपको खोलते साथ में आपको यहाँ पर मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 आपको और ये हर दिन में अपडेट होंगे, इसमें मॉडल 4 5 6 भी इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। हम बात करेंगे पीसीबी की पहचान, आपको मोबाइल हिस्ट्री की जानकारी का, आपको बिग लेवल आईसी कार्ड लेवल की जानकारी, डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, एसएमडी मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, सोल्डरिंग क्या होता है उसको कैसे करते हैं, मोबाइल वाटर डैमेज, हम बात करें बैटरी के बारे में या सॉर्टिंग क्या होता है उसको कैसे पहचानते हैं, सॉर्टिंग क्या देखा जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, मोबाइल टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको नेविगेशन जो आपको दिख रहा है आपको क्लिक करना है, आपको इस तरह का पेज मिल जाएगा और इस पेज में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। जैसे अभी हम थे फ्री मोबाइल ट्रेनिंग, जैसे मैं बात करें इसी को क्लिक करने पर हम यही वाले पेज में हम वापस आ जाएंगे। अभी हम नेविगेशन का आने में 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, देखिए आ गया है। अब हमें
क्लिक करना है कंपोनेंट टेस्टिंग। अब हम कंपोनेंट टेस्टिंग में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट की जानकारी नॉर्मल और असेंबली दोनों की अलग अलग दी हुई है, हिंदी की अलग दी है, इंग्लिश की अलग दी है। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इसको उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें नॉन पोलर कैपेसिटर, उनको कैसे चेक किया जाता है, तो ये मैंने इंग्लिश में बताया हुआ है और ये आपके नॉर्मल कॉम्पोनेंट हैं। यहीं पर हमने हिंदी में भी और यही बात हम बात कर रहे हैं कि असेंबली कॉम्पोनेंट भी हमने बताया हुआ है। जैसे असेंबली रजिस्टर किसे कहते हैं तो इसकी टेस्टिंग हम जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पर आपको असेंबली रजिस्टर की टेस्टिंग मिल जाएगी। देखिए असेंबली रजिस्टर यहाँ पर, और इसकी पहचान की अगर हम बात करें किस तरह के दिखते हैं ये असेंबली रजिस्टर, तो यहाँ पे वर्थ में हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए इसका सिंबल दिख गया है और यहाँ पर ये काले कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं। तो ये कंप्लीट आपको एक पूरा फुल किताब जैसा यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है, इसका चेकिंग सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे केवल आपको हार्डवेयर नहीं, आपको सॉफ्टवेयर भी देखने मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ हार्डवेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नेविगेशन पे आना है जो 2-1 सेकंड में आ जाता है। उसके बाद में देखिए हार्डवेयर में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर प्रत्येक प्रायः हर सेक्शन को यहाँ पर डाला गया है, उसकी चेकिंग डाला गया। जैसे रिंगर की हम बात करें, रिंगर को कैसे चेक करते हैं, तो देखिए रिंगर को हमने यहाँ पर खोला और यहाँ पर जैसे रिंगर का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या कि रिंगर की रिंगटोन साउंड ना बजना, एमपी क्रिया वॉइस कॉल के दौरान लाउड स्पीकर का ना बजना, तो यहाँ पर सारी चेकिंग उसकी दी हुई है जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा में उर्दू या किसी और भाषा में तो आप नीचे जाइएगा और ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपनी भाषा चुन लीजिएगा और ये यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर की जानकारी है वो भी इसमें डाली गई है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, मोबाइल रिसेट किसे कहते हैं, तो सारी यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएगा। स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे जैसे FRP अनलॉक टूल, बायपास टूल, बहुत सारे जो ऐसे हिडन टूल हैं। और ये बेसिकली कि यहाँ पे फ्लैशिंग के बारे में आ गया, ये अभी पूरा हिंदी में इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी ये कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर टूल के बारे में सब जानकारी दी है, MI का टूल, सैमसंग का टूल, यहाँ पे सारे ड्राइवर दिए, ADB यूनिवर्सल ड्राइवर फॉर ऑल एंड्रॉयड डिवाइस, मिनिम तो हम बात करें मिनिमल ADB टूल, MediaTek का ड्राइवर, तो ये ड्राइवर वन क्लिक इंस्टॉल हो जाते हैं। साथ में इसमें इसकी जानकारी दी गई हुई है और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर टेस्टेड ड्राइवर है और ये डालने से जो आपका ड्राइवर वाला काम है ये पूरा करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे रिसेट में हम जाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे इसके पेजेस हैं, आप पेजेस में जा सकते हो। कौन कौन से मोबाइल रिसेट करना हमने बताया, रिसेट क्या होता है सब बताया है, रिसेट सैमसंग। तो आपको अगर मोबाइल ट्रेनिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। MI को कैसे रिसेट करना है, Vivo, HTC, iPhone, विंडो, ब्लैकबेरी, तो सारी फोनों का रिसेट यहाँ पे बताया गया है और वो भी फोटो के साथ। और स्टॉक रूम यहाँ पे तो सब आपको मिल जाएगा और ऊपर वाला मेन्यू में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम, गूगल और ये हमारे स्टूडेंट का जो टेस्टिमोनियल है ये आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ पर यहाँ से हमारे से पढ़कर जाता है और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और जो उन्होंने हमें राय दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो दोस्तों ये ऐप्स को आज ही डाउनलोड करें। इस ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ लिखना होगा एशिया टेलीकॉम। जैसे आप एशिया टेलीकॉम टाइप करेंगे थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री मोबाइल ट्रेनिंग वॉल्यूम 1। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी लिंक नीचे वीडियो के में दी गई है, आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये वाले पेज में आ जाएगा। केवल 2 MB का ऐप्स है और ये केवल 2 MB के ऐप्स को डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे।